प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी गद्य का पाठ एक बात का अध्ययन करेंगे। पिछले दिन नियमित कक्षाएं जब चल रही थी तो उसमें हमने इस शीर्षक पर कुछ टिप्पणी की थी। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इनकी जीवनी, इनकी भाषा शैली, साहित्यिक रचनाएं टिप्पणी की जा चुकी थी। साथ ही साथ बात शीर्षक पर भी कुछ चर्चा की गई थी। उसी क्रम में हम आगे आज की कक्षा में आपको हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको, यह साहित्य विषय हिंदी है आपका, और इसके पढ़ने में जो आपकी त्रुटियां हो रही है उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हिंदी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कक्षा में हम भी इसका वर्णन किए हैं, टिप्पणी दिए हैं, बताए हैं, लेकिन एक बार और बताना चाहूंगा कि आप पढ़ने से पहले कभी भी आप स्वस्वर वाचन करेंगे। स्वस्वर वाचन मीन्स बोल कर पढ़ेंगे। वर्तमान समय में बच्चों की एक आदत सी बन गई है कॉपी किताब खोल करके मन में पढ़ने की। हिंदी विषय जो है मौन वाचन से संभव नहीं है। मौन वाचन कक्षा के लिए घर पर स्वस्वर वाचन करें, इसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम का विशेष ध्यान देंगे। कहां पर अल्प विराम है, कहां पर थोड़ा सा रुकना है, जिससे आप कॉमा करते हैं। फिर पूर्ण विराम जहाँ खड़ी खड़ी करते हैं आप, इसको सीधी लाइन होती है। फिर जो वर्ण है सहस्व दीर्घ, उच्चारण में आपके कैसे, यानी आपका जो उच्चारण करेंगे वर्णों का कैसे करेंगे, यदि ये सब कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको समझ में आ गई है, विश्वास है आप पढ़े हैं, क्लास नाइन्थ में हाई स्कूल में आ गए हैं, जानकारी होगी। कुछ कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे। उच्चारण करते हुए क्लास हमने बताया कबौण क्या है, चबौण क्या है, प्रबौण क्या है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, पीछे हम जा करके बता चुके हैं आपको, फिर भी इसका विशेष ध्यान रखिए। शुरू करते हैं हम शीर्षक बात का। इस पाठ का स्वस्व वाचन करने से पहले हम आपको थोड़ी सी टिप्पणी देना चाहेंगे कि बात है क्या। बात से तात्पर्य सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच के जो संवाद है, जो संवाद का आदान प्रदान है, यहां पर उसी समय पर रखा गया वही बात है। वह भी इस अवस्था में हाई स्कूल में क्लास नाइन्थ में आपको बात से क्यों परिचित कराया जा रहा है, यह विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है माध्यमिक स्तर। यदि बच्चे या छात्र इस उम्र में यह जान गए कि हमें क्या बात करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, तो भविष्य में एक सफल नागरिक बन सकते हैं। नहीं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, या मनुष्य की एक ये विशेषता भी है, बोलना तो या बात करना तो दो बरस में ही सीख लेता है, लेकिन क्या बात करना है जीवन भर नहीं सीख पाता है। तो इसलिए यहां पाठ्यक्रम में आपको बात सब दिया गया है कि क्या हम कौन सी बात बोले, कौन सी बात सुने, कौन सी बात ग्रहण करें, जिससे हमारा चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि विकास हो सके। इसी संदर्भ में हम स्वयं स्वस्वर पाठन करके आपको पैराग्राफ समझाना चाहेंगे। दिया इसमें बात शीर्षक है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी भी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें
एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। स्पष्ट लिखा है, लेखक लिखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, यदि हम वैद्य होते, चिकित्सक हम वैद्य होते तो कफ और पित्त जो एक तरह की व्याधि है, बीमारी है, उससे संबंधित बातें करते। यदि भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश का, किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का, हम जलवायु का, वहां की धरातल कैसी है, वहां आर्द्रता कैसी है, पवने कैसे चलते हैं, उनकी गति क्या है, पवनों का दाब क्या है, जलवायु की बात करते। लेकिन इस दोनों में से हम कुछ भी नहीं, हमें तो सिर्फ उसी बात पर दो चार बात कहने का अवसर मिलता है जो हम एक दूसरे के सम्मुख संभाषण के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा हम आप या कोई दो पक्षकार, दो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे से कुछ बात कहता है और दूसरे का सुनता है। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की शिरोमण अशरफ उल मखलूकात कहलाते हैं। सुख सारक का पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा अदृश्य समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय है जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं रह सकते। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों के बिन बानी वक्ता बड़ योगी वाली बात मान रखती है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहां तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय नाम से मुंह बिचकावेंगे, अपाड़ पादो जौनो ग्रहिता के हट पर करने वाले को यह कहकर बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा सत कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार सत का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, अथवा योगाभास का आरंभ करने वाले को आंखें मुदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरा मिले, कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। दिया कि इसमें सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है, एक बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों का शिरोमण कहलाती है। तात्पर्य है कि किसी भी मानव जाति को कुछ ज्ञान हो जाता है, मानव जाति जो संपूर्ण जीवधारी है, सभी कितने भी जीवधारी हैं उसमें मानव जाति को सबसे शिरोमण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो बात कहना बात समझना जानता है, सबसे शिरोमणि माना गया है। इसका दिया गया है जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात, यानी संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ, अशरफ मखलूकात संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ मनुष्य को माना गया है संपूर्ण जीवों में, कि वह क्या बात करना है, क्या सुनना है और बातों को कहना और सुनना वो समझ लेता है। सुख सारी का पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा अदृश्य माने जाते हैं। सुख सारी का तोता और मैना, आप देखेंगे तोता और मैना ऐसी पक्षी है जिसको हम पालतू बना के पिंजड़े में घर में रखते हैं और हम मनुष्यों की कुछ ही भाषा कुछ ही शब्द सीख लेते हैं, नकल कर लेते हैं और बोलने लगते हैं
सिर्फ कुछ ही शब्द सीखने से सुख सारिका पोता मैना का महत्व अन्य पक्षियों में अन्य नवचारियों में काफी महत्व बढ़ जाता है, उनका काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी बात का क्या महत्व है, हम बहुत सारी अन्य बातों का उदाहरण दे आपको, जो आपके पुस्तक में दिया गया है, बाइबल, कुरान शरीफ, वेद, यह भी बात है। जैसे वेद ब्रह्मा की बात की गई, ब्रह्मा जी के, कुरान शरीफ, कलामुल्ला यानी खुदा का पैगंबर, कई कई बातें हैं, होली बाइबल, जीसस क्राइस्ट के दिए गए उपदेश, उनकी बातों को उसमें संकलित किया गया है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र ग्रंथ भी हैं, जैसे श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता में महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश या कही गई कुछ बातों का वर्णन है, ये सभी एक बात ही है। इसी के साथ है आपका एक शब्द दिया शालिग्राम, निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम सीखा है। हम बात की बात है कि हम निराकार को भी बात के आधार पर उन्हें पूज्य मानते हैं, जैसे शालिग्राम। हिंदू धर्म में कुछ कार्यक्रमों में उनके धर्म गुरु द्वारा लाए हैं कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जो पत्थर होते हैं जिनका रंग काला होता है, जिसकी पूजा की जाती है, उसे शालिग्राम पत्थर, बिल्कुल निराकार है, बिल्कुल निर्जीव है। उसके बाद भी ये बात है कि वह उसकी पूजा की जाती है। तो बात का ये महत्व है, बात कौन सी बात हम बोले, कौन सी ग्रहण करें, किन बातों में विश्वास करें, जिससे हमारे चारित्रिक, नैतिक और बौद्धिक विकास हो, उसी संदर्भ में प्रकाश डाला गया। आगे है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन सी बात नहीं। हम लोगों के तो गात माय बात करामात है, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्ण दशा में ले जाने अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली, यद्यप बात का कोई रूप नहीं बता सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की बात इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात, इत्यादि सब बात ही तो है। शास्त्र पुराण इतिहास वेद या अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो ऊपर वर्णित है सब बात ही है, लेकिन ये इसके भी बहुत रूप है, इसके भी अनेक रूप है। जैसे अभी नीचे पढ़ा गया है कि सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, ये ईश्वर जैसे निराकार है अनेक, उसके बाद भी ईश्वर के बहुत रूप है। ठीक उसी तरह से बात की भी बहुत रूप है, बहुत रूपों की बात बोली जाती है। अगर देखेंगे आप बात के इस काम भी इसी भाग अनेक देखने में आए, प्रीति भय, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितने उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो जा सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा कार के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो भी बात है, हमारे तुम्हारे भी सभी काम पर निर्भर करते हैं। बात कई हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, बात ही से पराए अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष युद्ध शाही एवं युद्ध प्रिय शांत प्रिय कुमार्गी सुपथगामी तथा सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बात से ही प्रीति और बैर उत्पन्न होता है। प्रीति और बैर
किसी भी व्यक्ति से के द्वारा ऐसी बातों का प्रयोग करना जिससे वह आपका मित्र बन जाए, कुछ अच्छे शब्दों का, अच्छे बातों का प्रयोग करके सम्मानजनक आदर प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई व्यक्ति आपका मित्र बन जाता है। किसी को अपमानजनक शब्द या कभी बातों का प्रयोग करते हैं, वह आपका बैरी बन जाता है। फिर बात वो चाहे डाकखाने से आने वाला पत्र हो, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, वर्तमान समय में जो संचार के बहुत सारे साधन हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, चाहे वह पुस्तकों में छप करके आते हैं या टेलीविजन, दूरदर्शन, टेलीविजन या सोशल मीडिया के द्वारा है, उन्हीं का प्रभाव है कि व्यक्ति अनेक बातों को सीख लेता है। फिर आपको यह ध्यान देना है कि हम कैसे बातों का प्रयोग करें जिससे हमारा एक सामाजिक स्तर और बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। दिया कि बात ही हाथी पाई है, बात ही हाथी पाओ, बात ही से लोग पराए अपने हो जाते हैं और बात ही से अपने पराए हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप सही बातों का प्रयोग नहीं किए किसी व्यक्ति के साथ, तो वह व्यक्ति आपका बहुत ही शुभचिंतक क्यों नहीं है, आपका शुभचिंतक नहीं रह जाता, वो आपका साथ छोड़ देता है। फिर यदि बात अगर अच्छी बात का प्रयोग करते हैं, तो प्रायः देखने को मिलता है समाज में कि कोई व्यक्ति आपका नहीं भी है या आपको पसंद नहीं भी करता है, लेकिन आपकी बात करने का ढंग, आपकी बात करने की कला अगर अच्छी है तो कोई पराया व्यक्ति भी अपना हो जाता है। तो इसलिए आज के इस क्लास में, कक्षा में इतना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आप इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे, शेष भाग अगले दिन हम आपको समझाएंगे। कभी भी आप घर पर पढ़ते समय सस्वर वाचन कीजिएगा, घूम कर पढ़िएगा, ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग कीजिएगा, अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग कीजिएगा, जिससे कम से कम त्रुटियां हो और उच्चारण या बोलने का ढंग अच्छे से आ सके। थैंक यू।